अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब, क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से, आमीन। तो जी, इस वक्त थोड़ी देर में ही इवनिंग का टाइम होने वाला है, तकरीबन इस वक्त 3:30-4 का टाइम है। तो बच्चे तो अभी थोड़ी देर पहले ही ट्यूशन के लिए निकले हैं और जैसे ही बच्चे ट्यूशन के लिए निकले तो फ़ौरन ही मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा मेरे किचन के काम पड़े हुए हैं करने वाले। तो संडे को मैं वेजिटेबल्स लेके आई हुई थी और जब हम लोग संडे बाज़ार जाते हैं ना, तो उसके 2-3 दिन बाद तो बिल्कुल सब्जियों के साथ ही हम लोग खेलते रहते हैं। तो संडे बाज़ार से ही मैं थोड़ी सी फ़िश भी लेके आई थी, तो अब मैंने इसको मसाला लगाना था, तो इसके लिए मैं लेमन का जूस निकाल रही थी और ये लेमन ना मेरे घर के हैं। तो पहले तो जाके मैं लेमन ट्री से सारे लेमन तोड़ के लाई हूँ और इसमें से कुछ लेमन जो छोटे छोटे थे तो मैंने सोचा इसका रस निकाल लेती हूँ, क्योंकि मछली को मसाला लगाने में तो लेमन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बस मैं लेमन का रस ही निकाल रही हूँ और घर में ना लेमन ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में लेमन डलता है, तो इसलिए जब भी ज़रूरत पड़ती है लेमन की तो हम लोग नीचे से तोड़ के ले आते हैं। बस यहाँ पे मैं जल्दी से फिश को मसाला लगा लेती हूँ, क्योंकि मसाला सेट होने में भी 1-2 दिन लगते हैं, तब जाके ही मछली मज़े की लगती है। तो लेमन का रस निकाल लेने के बाद जल्दी से मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, तो मैंने मसाले में थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है, क्योंकि फ़िश को नमक लगा होता है ना, तो इस तरह से नमक तेज़ होने का ख़तरा रहता है। तो बस मैंने 2 चुटकी के बराबर ही नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड करके भी मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है और अब इसमें मैं हसबे ज़रूरत मिर्च ऐड करूँगी। तो मिर्च मैं मुनासिब ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है तो बच्चे तो ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे नहीं, इसलिए मैं मिर्च की मिकदार को नॉर्मल ही रखती हूँ, लेकिन इतना भी फीका नहीं, क्योंकि फ़िश जो है तो थोड़ी सी करारी करारी ही अच्छी लगती है, अगर बिल्कुल ही हम फीकी बनाएंगे तो वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। तो मैं ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, बस यही चीज़ें डालती हूँ। और बाद में लेमन का रस डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं फ़िश को मसाला लगा रही हूँ। और मछली को इस तरह से मसाला लगाना मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, तो मैं हमेशा देखा करती थी मेरी अम्मी इसी तरह से मछली को मसाला लगाती थी, बल्कि अभी भी कभी कभार लगा लेती हैं, लेकिन अब मैं उनको ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि मैंने उनसे सीख लिया है। तो अब मैं ही मछली को मसाला लगाती हूँ। और पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ये सोचा करती थी कि क्या मेरी अम्मी के हाथों को मिर्चें नहीं लगती होंगी इस तरह मछली को मसाला लगाने से, लेकिन फिर अब पता चलता है कि हाथों को आदत हो जाती है। पहले तो शुरू शुरू में मुझे भी काफ़ी मिर्चें लगती थी हाथों में जब मैं मछली को मसाला लगाती थी, लेकिन अब इसकी आदत हो गई है और अब तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो इस तरीके से मसाला लगा होना मछली को तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने मछली को मसाला लगा दिया है, इसको मैं अब थोड़ी देर में फ्रिज में रखती हूँ, 2-3 दिन के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। अच्छी तरह से मसाला रच बस जाएगा ना, तो मछली खाने में काफ़ी मज़े की लगेगी। और आज सारे ही काम ना मेरे किचन के ही करने वाले पड़े हुए हैं, तो काफ़ी दिनों से मैं लहसुन भी लेके आई हुई थी, इसको वॉश करके मैंने यहाँ पर ही काउंटर टॉप पर रखा हुआ था, तो अब अच्छे से लहसुन ड्राई हो गया था। अदरक को भी मैंने वॉश करके रखा हुआ था, दोनों चीज़ें ही ड्राई हो गई हैं, तो अब मैं इसका पेस्ट बना के रख लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट ख़त्म होया हुआ है, तो मैं हमेशा लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के ही रखती हूँ। इस तरह खाना बनाने में ना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आप खाना बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो उस वक्त आपका जी चाहता है कि जल्दी जल्दी से बस खाना तैयार हो जाए, और ऐसे में कोई चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार मिल जाए ना, तो इस तरह से काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो मैंने 1/2 kg लहसुन लिया है यहाँ पे और इसमें 1 पाव अदरक ऐड करूँगी। तो मैं अदरक की मिकदार को थोड़ा सा कम रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी खाने ऐसे होते हैं जिसमें अदरक नहीं डलता, तो इसलिए मैं बस थोड़ी मिकदार में ही अदरक ऐड करती हूँ। यानी कि अगर मैंने लहसुन 1/2 kg लिया है तो 1 पाव अदरक ऐड कर रही हूँ, और अगर लहसुन को मैं 1 kg लूँगी तो अदरक को भी मैं 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर लेती हूँ। तो अदरक की मिकदार को मैं हमेशा थोड़ा सा कम ही रखती हूँ,
और वैसे काफ़ी लोग तो दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में ही ऐड करते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही इस तरह से ऐड करती हूँ। तो जब भी इसका पेस्ट बनाना होता है ना, तो एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि लहसुन और अदरक बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जिस वक्त आप पेस्ट बनाएं तो 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। तो मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है और हाफ लहसुन और अदरक के साथ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया होगा और फिर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो हमारी पेस्ट तो तैयार हो चुकी है, मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया था इसी तरह से। और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ही डालना है जिसके साथ के ये पेस्ट हमारी तैयार हो जाए। और अब मैं आइस क्यूब्स की ट्रे लेके इसमें पेस्ट को फिल कर दूंगी। इसे अच्छी तरह से मैं इक्वल कर दूंगी ताकि इसमें कोई भी स्पेस ना रहे। और इसे इक्वल करने के लिए मैं इसे 2 से 3 मरतबा, 3 से 4 मरतबा भी टैप करूंगी ताकि इसमें जो भी एयर होगी वो निकल जाएगी और जो भी स्पेस होगी तो वो हमें दिखाई दे जाएगी। तो हम इसे अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। और मेरे पास ये 2 आइस क्यूब्स के ट्रे हैं, तो ये कवर वाले हैं और मैंने इन्हें इसीलिए रखा हुआ है कि जब भी मैं लहसुन अदरक की पेस्ट बनाऊं तो इसमें ही फिल करके रखती हूं। इसके अलावा जब मैं पुदीने की चटनी बनाती हूं तो वो भी इसी में ही फ्रीज करके रखती हूं और उसके भी मैं क्यूब्स बना के ही रख लेती हूं। तो अक्सर ऐसे ही होता है, इन सब चीज़ों के मैं क्यूब्स बना के ही रखती हूँ और ज़रूरत के वक्त फिर जब हमें चाहिए होते हैं तो फ़ौरन से 1-2 क्यूब्स हम निकाल लेते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है मेरे लिए। तो इस तरह से लहसुन और अदरक की पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है ना तो फिर खाने में मैं 1 क्यूब डाल लेती हूँ, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मैं खाना बनाऊँ तो फिर 2 क्यूब्स डाल लेती हूँ। तो इस तरह से अंदाज़ा बिल्कुल ठीक रहता है और ये तरीका ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। इस तरह से मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि मैं तो डिनर ही बनाती हूँ, रात में ही खाना बनाती हूँ और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि बच्चों ने जल्दी सोना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्होंने स्कूल भी जाना होता है। तो इसलिए शाम में फ्री होने के बाद ही मैं डिनर बनाना शुरू करती हूँ और उस वक्त मुझे ज़रूरत होती है कि सब चीज़ें जल्दी से रेडी हों ताकि मैं फ़ौरन से ही खाना बना लूँ। तो इस तरह से लहसुन अदरक की पेस्ट तो मुझे मिल जाती है तो मेरा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और यहाँ पे जो लहसुन अदरक की पेस्ट बाकी बची है ना, तो उसे मैं जार में फिल कर रही हूँ। इसको मैं ऐसे ही एयर टाइट करके फ्रिज में रख लूँगी। और इस तरह से अगर लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई जाए ना, और चाहे आप इसे फ्रिज में भी रख लें लेकिन एयर टाइट कंटेनर होना लाजमी है, तो आपकी पेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसका कलर चेंज होगा। तो क्यूब्स तो मैंने बना के फ्रीज कर लिए हैं और बाकी जो लहसुन अदरक की पेस्ट बची है तो मैं इसे फ्रिज में रखने लगी हूँ। इसे मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर लूँगी और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं क्यूब्स यूज़ करूँगी। तो ये तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 2-3 काम थे ना किचन के, तो ऐसे लग रहा था, थोड़ा माइंड पे बर्डन सा आ गया था कि मुझे आज तो ये सारे काम कंप्लीट करने ही हैं हर सूरत में। और इसके फ़ौरन बाद ही फिर मैंने डिनर बनाना भी शुरू कर दिया। अभी मैंने वीडियो की एडिटिंग करनी थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बनने के लिए रख देती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। मुझे वीडियो की एडिटिंग करते करते ही ना 2-2.5 घंटे तो लग जाते हैं और इतनी देर में बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं, फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए टीवी देखना होता है और उसके बाद सोना होता है। तो ऐसे में डिनर आज का लेट बनने लगा था हमारा, तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर तो बाद में करती हूँ, पहले जाके मैं खाना बनने के लिए रख देती हूँ क्योंकि अभी मैं तो किचन में ही थी, तो इसलिए साथ ही मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही थी और आज मैं साग बनाने लगी हूँ तो उसी की तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला मैं ऐड करूँगी, दालचीनी ऐड की है और बड़ी इलायची ऐड की है, तो प्याज के साथ मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैंने एक कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था मेरे पास तो उसको भी ऐड करूँगी। वैसे अगर मैं सेपरेटली लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती साग के लिए तो साथ में मैंने हरी मिर्चों को भी ऐड करना था, लेकिन मैंने जो पेस्ट बनाया हुआ था उसे ऐड किया है और हरी मिर्चें मैंने अलहदा से पीस के ऐड कर दी हैं क्योंकि साग में हरी मिर्चों का फ्लेवर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हरी मिर्चें मैं ज़्यादा मिकदार में ही ऐड करती हूँ। अब साथ ही सारे बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि सीज़न का साग है, तो सीज़न का साग तो वैसे ही खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और इसका फ्लेवर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, तो इसमें स्पाइसेस ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और मसाला भून लेने के बाद जो साग मैंने उबाल के कल रखा हुआ था ना, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ।
तो इसमें साग, पालक और बाथू वगैरह सब चीज़ें मैंने उबाल के रख ली थी, इसको ग्राइंड करके रख लिया था। तो बस अब मुझे तड़का ही लगाना था इसमें, तो तड़का मैंने लगा दिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि फिर साग का कलर ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो साग थोड़ा सा हरा हरा ही हो तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे पकने में। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी और उतनी देर में जो मेरे बाकी के काम हैं अब करने वाले तो वो कर लूँगी, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही निकल गया है और आज मैंने क्लीनिंग का काम भी नहीं किया, क्योंकि कल मैंने क्लीनिंग का काम किया था तो आज घर मेरा नीट ही है। तो आज मैंने सोचा कि किचन के जो काम पड़े हुए हैं करने वाले उनको मैं पहले कर लेती हूँ, फिर वरना वो वैसे ही रह जाएंगे और फिर मेरे माइंड पे बर्डन रहता है कि अभी मैंने ये काम नहीं किया। तो जो मैंने फ़िश को मसाला लगाया था ना, तो थोड़ी सी मछली मेरे पास पकाने के लिए पड़ी हुई थी। ये मछली तो नहीं है, हम लोग तो इसे सिरे कहते हैं, तो पता नहीं इसे क्या कहा जाता है, बस ये पड़े हुए थे मेरे पास। तो मैंने कहा इसको फ़ौरन से पका लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो आज मैंने ताज़ा ताज़ा ही ये पका लिए हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो खाने में काफ़ी अच्छी होती है, और वैसे भी आजकल बच्चों के गले और बड़ों के गले थोड़े थोड़े ख़राब हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने ये भी पका लिया था क्योंकि इसने तो झटपट ही पक जाना था। यहाँ पे मेरा साग भी पक गया है, तो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे तो मैं बस अब तड़का ही लगा रही थी। थोड़ा सा मक्खन का तड़का लगाऊंगी और साथ साथ मैं रोटियाँ भी बनाती जा रही हूँ। इस वक्त टाइम 8 बजे के करीब है, तो बस हम लोग अपना गर्मा गर्म डिनर करते हैं। मज़े मज़े का साग पक गया है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मज़े का लगा है और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इस गर्म गर्म साग के साथ ही हम अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।